उन्होंने आज से पहले ऐसा लड़ाई कभी नहीं लड़ी, तो मैं उसे दोस्त नहीं देती। कुंदीकू लोगों के साथ है हमारी लड़ाई, सरकार से। जंगल हमारा है, पहाड़ भी, हम जंगल जंगल पहाड़ पहाड़ जाएंगे, चौकियां बनाएंगे। उनके पास बंदूकें हैं। लेकिन बंदूक कितने लोग चलाएंगे, हम हजारों में है। सही का आह्वान है, अब बताओ हम करें क्या। तो सुनो, इस वक्त दो तरफ समान ने मुल्क की लड़ाई से बहुत मारे खाए, आज इस गांव में तो कल 5 कोस दूर दूसरे गांव में चारों और हमारे सब आए होंगे। इसकी खबर आप सबों तक मेरे भाई कानू और संकरा से मिलती रहेगी। हम क्या करेंगे आबा? एक दल प्रचारक का काम, जिसका घर जंगल से बहुत अंदर है और थाने से बहुत दूर। राम हाफिज फिल्म में आप दूसरे किरदार की भूमिका में, मुख्य किरदार की भूमिका में है, किस तरह से इस फिल्म को बनाया और कितना उत्साहित हैं? लंदन में आपका प्रीमियम हो रहा है फिल्म का। जी हाँ, बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और आप सबों का आशीर्वाद है। लंदन फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर 20 तारीख को है। राम हाफिज इस फिल्म का नाम है और इसमें दूसरा जो दूसरी मुख्य भूमिका के रोल में मुझे इसका मौका मिला है। पहली बार अभिनय का मौका मिला। आलोक जी ने कहा कि आप इस रोल के लिए बिल्कुल सही रहेंगे। हमने मेकअप आर्टिस्ट को हायर किया, पहली बार ऐसा हुआ कि इतने लार्ज स्केल पे हमने काम किया। हालांकि सुविधाओं की कमी रही, लेकिन फिर भी जो उत्साह था जितने भी कलाकारों का, सभी कलाकार, जो सबसे खास बात है वो सभी लोग कटिहार के हैं, कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। रोनित रंजन वो भी कटिहार से हैं, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं। सिर्फ एक जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो कटिहार से बाहर पुणे और गोवा में हमने कराया। समरेश बासु जो कि बहुत अच्छे लेखक रहे, बंगाल के स्वर्गीय समरेश बासु, उनकी कहानी थी आदाब, उस पर आधारित ये फिल्म हमने तैयार की, राम हाफिज। और अब हमने अपना काम कर दिया है, जैसा कि आलोक जी ने कहा कि तकरीबन 12 से ज़्यादा फिल्म फेस्टिवल में हमने इसे प्रेषित किया है और सबसे पहली खुशखबरी लंदन फिल्म फेस्टिवल से आई। उत्साह लोगों का एकदम पूरी तरह से लबड़ेज है, अभी हम लोग बहुत उत्साहित हैं और हम चाहते हैं कि अवार्ड भी मिले कहीं ना कहीं। तो हमने अपना काम किया है, कर्म किया है, फल की अभी हम चिंता नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमारे लिए बहुत उत्साह का विषय है देशवासियों के लिए कि इतने बड़े फिल्म फेस्टिवल में इसका चयन हो गया है। और आज जबकि हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी इसी समय इस फिल्म का अभी प्रसारण किया जा रहा है मुंबई फिल्म फेस्टिवल में। क्या नाम है? मेरा नाम है रितेश ठाकुर, मैं बिहार हूँ की टीम से जुड़ा हुआ हूँ। नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आज कटिहार वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी वाला जो समाचार होता है, खबर होता है, वो देने जा रहा हूँ। और बहुतों के लिए ये खबर बहुत बड़ा चीज नहीं होगा, लेकिन बहुत के लिए बहुत कुछ होगा। क्यों? क्योंकि जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनके लिए यह खबर बहुत मोटिवेशनल है और इसको समझना चाहिए कि आप ही के बीच के छोटे छोटे कलाकार जो कटिहार के विभिन्न गांव ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उन्होंने मिलकर एक फिल्म बनाया जिसका प्रीमियर विदेश में यानी कि लंदन में फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। कितनी बड़ी बात है ना कि इस छोटे छोटे गांव कस्बे के लोग जो बहुत सुख सुविधाओं से वंचित रहते हैं, इन्होंने यह चीज को नहीं ये किया और खुद मिलकर एक ऐसा फिल्म का निर्माण कर दिए जिसका कि फिल्म वहां पर दिखाया जाएगा फिल्म फेस्टिवल में। और अभी भी आज के डेट में ही कह लें या कल के डेट में कह लें कि इस फिल्म को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया जा रहा है। कितनी बड़ी बात है ना, हम और आप जो बहुत तो कलाकार ऐसे हैं जो कि कुछ काम किए और फिर अपने आप को वहीं पर गिरा लिए या रख लिए, उनका कहना था कि हमें बहुत सुविधा नहीं मिल पाया और इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। फिल्म का भी टाइटल बहुत अच्छा है, राम हाफिज, बहुत सुंदर फिल्म है, क्योंकि ऐसे फिल्म को हम लोग को प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि आप समझिए कि हम लोग कितना उलझलूल फिल्मों को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, लेकिन ऐसे फिल्म कहाँ आते हैं। फिलहाल देखिए और इस फिल्म के बारे में बताते हैं कि इस फिल्म का नाम राम हाफिज है और रोनित रंजन इसके डायरेक्टर है, जो कटिहार के ही है। और यह फिल्म जो है वह स्वर्गीय समरेश बासु की कहानी, जो बंगाली लेखक थे, उनके कहानी पर इसको बनाया गया है। और बहुत अच्छा लगा हमको कि इस टाइप का फिल्म हमारा एक छोटा सा समझ लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, और बहुत चीज यहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ के जो कलाकार हैं वह दूसरे राज्यों में न जाकर अपने ही क्षेत्र में काम करते हैं और उस फिल्म को लंदन के प्रीमियर में लगवाते हैं। इससे बड़ा बात कुछ हो ही नहीं सकता। इससे लगता है कि हम बिहारियों में आज भी वो दम है जो हमारे पूर्वज भी कहा करते थे कि एक बिहारी 100 पे भारी। तो हो सके अगर आप यहाँ पे फिल्म बन रहा है, अगर प्रीमियर लंदन में हो रहा है और मुंबई में भी इसका प्रीमियर आज जारी है,
तो ये हमारे लिए और हमारे कटिहार वासियों के लिए, हमारे सीमांचल के लिए बहुत ही गौरवान्वित चीज है और इसको समझना चाहिए। फिलहाल देखिए कुछ जो यहाँ इसके निर्देशक हैं, इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनका बाइट है, आप देखिए। और प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप Facebook पेज कटिहार लाइव में देख रहे हैं तो आप नीचे वाली बटन सब्सक्राइब वाले बटन को दाबिएगा और इंस्टा पे प्लीज आप फॉलो कीजिएगा। फिल्म, लघु फिल्म का प्रीमियम होना है, क्या है फिल्म और किस बेस पे आधारित है ये फिल्म? का नाम है राम हाफिज और ये स्वर्गीय समरेश बसु की कहानी जो है आदाब, वो उसका बेस है, यानी कि इसी कहानी पर ये राम हाफिज बनाया गया है। और इसको कटिहार के सारे कलाकार इसमें मौजूद हैं, कटिहार के जो डायरेक्टर हैं वो भी पुणे फिल्म संस्थान से जुड़े हुए हैं, रौनित रंजन वो भी कटिहार से वास्ता रखते हैं। तो कोरोना काल के उपरांत हम लोगों ने इस फिल्म का निर्माण किया था और कटिहार में ही हमने इसकी शूट की थी, मनिहारी कटिहार या कटिहार के आसपास का जो इलाका था उसको हम लोगों ने चूज किया था, वहाँ हम लोगों का शूट हुआ था, कुछ शूटिंग इंडोर में भी हुई थी। बेस क्या है इस फिल्म का? ये सांप्रदायिक सद्भाव पर आधारित ये एक स्क्रिप्ट है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था 1971 में, उसी पर बेस करके ये बनाया गया है। ये लंदन में आपके फिल्म को दिखाया जाएगा, आप कितना उत्साहित हैं? आने वाले समय में आपको अवार्ड मिलना है फिल्म को, आप कितना उत्साहित? देखिए पहली बार कटिहार में किसी फिल्म को, कटिहार से निर्मित किसी फिल्म को फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया है, यही तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और अवार्ड देखिए आगे क्या होता है कहना बड़ा मुश्किल है, मगर तकरीबन एक दर्जन फिल्म फेस्टिवलों में हम लोगों का आना तय है और वो भी आपको खुशखबरी मिल जाएगी जनवरी तक। अभी भी तो आज भी बता रहे थे आज मुंबई फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर चल रहा होगा अभी। ये कितने देर की फिल्म है? ये 22 मिनट की फिल्म है, लघु फिल्म। सर क्या नाम है? मैं आलोक कुमार कटिहार से। उम्र में हम क्या कर पाएंगे आप ही बता पाओगे, कहाँ भागेंगे, कहाँ छिपेंगे, कैसे चौकियाँ बनाएंगे, किस तरह हथियार इकट्ठा करेंगे, यह इनके सामर्थ्य का बात नहीं है, असली काम आप लोग करोगे। हाँ, हम लोग ही करेंगे। सोमा और डोंगा धन का काम देखेंगे, काम के लायक आदमी चुन लेंगे, उन्हें विरसायत बनाएंगे, जो नए विरसायत है वह फिलहाल पंचायत में नहीं आएंगे, वह पुराने लोगों से विरसायत धर्म को जानेंगे, समझेंगे, करेंगे रसद जमा करेंगे, पर उससे पहले हमें अपना दखल पाना होगा। हाँ, इसलिए हमें अपना पुराना देवस्थान चाहिए, इसलिए हम चुटिया और जगन्नाथपुर के मंदिर, बड़ी धोती जूता पगड़ी पहनने नहीं दिया जाता, कांचे पीतल के बर्तनों में खाने ना पड़े छीन लेंगे, मुंडाओं की आदिम राजधानी नौरत्न, वहां से मिट्टी लाएंगे, पानी लाएंगे, दखल करेंगे। अब ऐसे धीमे धीमे काम नहीं होगा,